हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी फ्रॉम हाउसवाइफ टू सीरियल किलर। मैं सुष्मिता और लेकर आ गई हूँ एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गैप एनालिसिस की। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई बार हमारा मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग दे देता है। कई बार हमारे स्टॉक्स कुछ न्यूज के चलते, कभी क्वार्टरली रिजल्ट या कभी उसके ऊपर कोई न्यूज आती है, तो गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग दे देते हैं। तो जो न्यू बिगनर हैं, जो अभी ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं, उन्हें यहाँ पे समझ में नहीं आता कि अब यहाँ पे हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो गैप है बहुत दिनों के लिए सस्टेन कर जाते हैं और कई बार जो गैप है वो तुरंत ही रिफिल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, गैप कुछ टाइप्स के होते हैं, कुछ गैप तुरंत रिफिल हो जाते हैं, कुछ गैप काफी दिन के लिए सस्टेन करते हैं। तो ये हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, तो इस वीडियो में हम सारी चीजें देखने वाले हैं कि गैप कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा गैप कितना सस्टेन करता है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो फ्रेंड, चलिए हम देखते हैं चार्ट में कि एक गैप अप और गैप डाउन होते क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें टाटा मोटर्स का चार्ट दिखाई दे रहा है। रिसेंट का ही चार्ट है फ्रेंड ये। तो अभी रिसेंट में इस स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैंडल बनी हुई है, इसके बाद कुछ पॉइंट ऊपर इस स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दी। नेक्स्ट है तो यहाँ पे आपको एक गैप अप दिखाई दे रहा है। तो ये होता है फ्रेंड्स गैप अप, इसे हम कहते हैं गैप अप ओपनिंग। और गैप अप ओपनिंग होने के बाद स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल 480 पे, इसका एक रेजिस्टेंस है फ्रेंड, इसे ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। बार बार ये अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो मे भी अगर अपनी रेजिस्टेंस को इस स्टॉक ने ब्रीच कर दिया तो ये और ऊपर जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं गैप अप ओपनिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चार्ट मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। ये भी अभी रिसेंट का चार्ट है फ्रेंड, इन्फोसिस का। रिसेंट में ही इन्फोसिस का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ था और रिजल्ट निगेटिव आया था। रिजल्ट निगेटिव आने के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में कैसे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पे एक कैंडल बनी, उसके बाद स्टॉक ने 10% गैप डाउन ओपनिंग दी थी और इसमें लोअर सर्किट भी लग गया था। ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होते हैं मैं आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता दूंगी, पर आप देख सकते हैं गैप डाउन होने के बाद स्टॉक अपने गैप डाउन को सस्टेन कर रहा है और मे भी ये स्टॉक यहाँ से और नीचे जाए। तो ये इसे हम कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग। तो होप सो आप समझ गए होंगे गैप अप और गैप डाउन क्या होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ गैप की। 4 टाइप्स ऑफ गैप होते हैं। फर्स्ट इज कॉमन गैप। कॉमन गैप क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये गैप यूजली बनते रहते हैं और क्विकली फिल भी हो जाते हैं। इस गैप को फिल होने में टाइम नहीं लगता, तो ये गैप बनते रहते हैं और फिल भी हो जाते हैं। सेकेंड इज ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप क्या होता है, जब कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल को ब्रीच करके गैप अप गैप डाउन ओपनिंग दे और उस गैप को सस्टेन करे, मीन्स आपको इस स्टॉक में कुछ वॉल्यूम दिखाई दे। जैसे जो अभी टाटा मोटर्स का चार्ट मैंने आपको दिखाया है, वो स्टॉक अपना एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच करके दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और बार बार दूसरे रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, वहाँ पर उस स्टॉक में हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो उसे हम कहेंगे फ्रेंड्स ब्रेक अवे गैप। वो गैप कुछ दिनों के लिए सस्टेन कर सकता है। थर्ड इज रनवे गैप। रनवे गैप क्या होता है, स्टॉक अपने एक ट्रेंड पे चल रहा है और सडनली उसके ऊपर कोई न्यूज आ जाती है और स्टॉक पे पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग दे देता है। जैसे आप इन्फोसिस को ले लीजिए, मैंने आपको इन्फोसिस का चार्ट दिखाया है, सडनली उसका रिजल्ट आया और निगेटिव डिक्लेयर्ड होने के बाद स्टॉक ने 10% लोअर सर्किट के साथ गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो इसे हम कहते हैं रन अवे गैप। इस गैप को भी फिल होने में टाइम लग सकता है क्योंकि उस स्टॉक में भी हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है कि कितने वॉल्यूम के साथ उसने गैप डाउन ओपनिंग ली और उसे सस्टेन कर रहे हैं। फोर्थ इज एग्जॉस्टन गैप। ये गैप क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये गैप बनते हैं और दूसरे या तीसरे दिन फिल होने लग जाते हैं फ्रेंड्स। ये वॉल्यूम के साथ बनेंगे और दूसरे ही दिन फिल हो जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स एग्जॉस्टन गैप। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ गैप। होप सो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि गैप अप और गैप डाउन होते क्या हैं। आप स्टॉक के चार्ट उठाइए और उसमें गैप को ढूंढने की कोशिश कीजिए और देखिए कि वो गैप कितने टाइम में फिल हुआ है। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ में आएगी।
जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि कौन से गैप में आपको कैसे ट्रेडिंग करना है। अभी मैंने आपको टाटा मोटर्स और इन्फोसिस के चार्ट दिखाए हैं, टाटा मोटर्स के पिछले कुछ ईयर्स के चार्ट लगा के देखिएगा। जब स्टॉक पे सडनली इलेक्ट्रिक व्हीकल की न्यूज़ आई थी तो स्टॉक ने 10% अपर सर्किट लगा के गैप अप ओपनिंग दी थी और काफ़ी दिनों तक स्टॉक ने उस गैप को सस्टेन किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस करने से ही हमें समझ में आती है कि कौन से गैप कैसे हैं, कहाँ पे हमें कैसी ट्रेडिंग करनी है। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं तो उन तक भी मेरा वीडियो शेयर करिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।